मैक्लोडगंज पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने ट्रैकिंग पर गए दिल्ली और पंजाब के 13 विद्यार्थियों को रेस्क्यू किया है। दरअसल भागसुनाग में ट्रैकिंग पर गए ये विद्यार्थी वाटरफॉल में फंस गए थे। जानकारी के अनुसार दिल्ली पंजाब से 13 के करीब विद्यार्थियों का एक ग्रुप पर्यटन नगरी धर्मशाला मैक्लोडगंज घूमने आया था। गुरुवार को ये छात्र भागसुनाग में ट्रैकिंग पर निकले थे, लेकिन जब वापस आ रहे थे तो तेज बारिश शुरू हो गई, जिसके चलते ये छात्र भागसुनाग वाटरफॉल में ही फंस गए। वहीं विद्यार्थियों ने कहीं से मैक्लोडगंज पुलिस का नंबर ढूंढकर फंसे होने की सूचना दी। इस पर मैक्लोडगंज पुलिस मौके पर पहुंची और इस बारे में एसडीआरएफ को भी सूचित किया गया। पुलिस टीम ने एसडीआरएफ की मदद से सभी छात्रों को सुरक्षित निकाल लिया है। विद्यार्थियों के रेस्क्यू के समय आईपीएस ऑफिसर मयंक चौधरी, एसडीआरएफ के इंचार्ज सुनील राणा, पुलिस थाना मैक्लोडगंज, यातायात पुलिस व स्थानीय लोग मौजूद रहे। रेस्क्यू ऑपरेशन के उपरांत जानकारी देते हुए एसडीएम धर्मशाला शिल्पी बेगटा ने बताया कि सभी 13 विद्यार्थियों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। उन्होंने प्रशासन की ओर से पर्यटकों एवं स्थानीय लोगों को नदी नालों के करीब न जाने की अपील की है। पिछले कल दोपहर को हमें डिज़ास्टर सेल से एक फ़ोन आया था कि लगभग 13 सैलानी भागसुनाग में जो वाटरफॉल है उसकी दूसरी तरफ फंस गए हैं। विदित है पिछले कल दोपहर को अचानक से बहुत तेज़ बारिश हुई थी हमारे ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों में, जिस कारण से जलप्रपात का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और बहुत ज़्यादा पानी जो था वहाँ आ गया था। सैलानियों के फंसने की खबर की जैसे ही पुष्टि हुई, वैसे ही हमने एसडीआरएफ की टीम को एक्टिवेट करवाया था। हमारे डीएसपी मिस्टर सुनील हैं, उनकी अगुवाई में पूरी टीम वहां पर रवाना हुई थी और प्रशासन की तरफ से तहसीलदार महोदय पूरी टीम के साथ वहां मौजूद थे। रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग एक घंटा चला है, जिसमें मानव श्रृंखला ह्यूमन चेन बनाकर हमने रेस्क्यू किया है। स्थानीय युवाओं ने भी उसमें हमारी बहुत सहायता की है और जब हमने लिस्ट प्रिपेयर की है तो उस हिसाब से कुल 13 सैलानी थे जो दिल्ली से थे, पंजाब से थे, जिनको रेस्क्यू किया गया है। देखिए, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है और जो यहाँ स्थानीय लोग हैं उनको तो पता है किस तरह से अपने खड्डों नालों को क्रॉस किया जा सकता है, आगे जाया जा सकता है, लेकिन जो बाहर से पर्यटक आते हैं वो कई बार फंस जाते हैं ऐसी स्थितियों में, तो इसलिए हमें उनको रेस्क्यू करना पड़ा था। हमारी लिस्ट में 13 व्यक्ति थे जिनको हमने रेस्क्यू किया है। बिल्कुल सेफ हैं, किसी को कोई चोट नहीं आई है।